We are going to start with next type of special purpose p-n junction diode. तो हमने कल एक special purpose p-n junction diode देखा, that was photo diode. और आपको exactly याद होना चाहिए कि photo diode का construction क्या था, photo diode का working क्या था, क्योंकि today we will be looking at solar cell और solar cell में और special purpose p-n junction diode मतलब photo diode, उसमें ज्यादा difference नहीं है. So you exactly you should know. So before we go ahead, quickly, very quickly, you need to remember diagrams. You need to remember construction. So जो photodiode था, जिसको हम photo sensor भी बोलते हैं, उसको हम photo detector भी बोलते हैं. तो it consists of a thick n-type bottom base, on top of which you have a thin p-region substrate, right? उसके बाद you have two electrodes. So this is what you need to remember. And another thing that you need to remember is that it works under reverse bias. Good. So itna aapko yaad hona chahiye. So now if you know this much, we can move ahead and talk about solar cell. So next type of special purpose p-n junction diode is a solar cell. So as I told you that we will stick to some particular format. So we will first talk about give a small introduction of this topic. तो आपको पता है वो फोटोडायोड वॉज ऑपरेटेड अंडर रिवर्स बायस एंड सोलार सेल इज ऑपरेटेड अंडर नो बायस. हमने यहाँ पे कोई एक्सटर्नल सेल, कोई एक्सटर्नल बैटरी कनेक्ट नहीं करना है. क्यों? फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना चाहिए कि ये यूज कहाँ करेगी, इसका पर्पज क्या है. तो सोलार सेल क्या करता है? सोलार सेल इज अ फोटोवोल्टाइक सेल. व्हाट डू मीन बाय फोटोवोल्टाइक सेल? इट कन्वर्ट्स photon into voltage. So basically light energy is converted into current and voltage so that you get power. Aur humko ye use kahan karna hota hai? We have to use this at remote places, jaise as I told you, for example satellites. Hamare jo artificial satellites hai, polar satellite ho ya fir equatorial. So you must be knowing, नहीं पता तो बताना पड़ेगा. You must be knowing that we have two types of artificial satellites, two categories of artificial satellites. एक में है, one is equatorial, जिसका orbit होता है in the plane of equator. Normally ये हम use करते हैं for telecommunication purposes, for broadcasting TV signals, TV television broadcast, live broadcast होता है वो. Mobile phone communication, etc., etc. So they are in the equatorial plane. And also, you should know these are basically. आपको पता होगा, इसका sense of revolution is the same as sense of rotation of Earth. और जैसे rotate होता है clockwise या anti-clockwise, तो ये भी वैसा ही rotate होगा, revolve होगा satellite. दूसरा ये that इसका time period is equal to time period of Earth rotation. 24 आवर्स में ये एक चक्कर कंप्लीट करेगा, मतलब इट इज स्टेशनरी विद रिस्पेक्ट टू अर्थ. जितना रोटेशन स्पीड अर्थ का है, उतना ही रिवोल्यूशन स्पीड इस सैटेलाइट का होता है. इसको बोलते हैं कम्युनिकेशन सैटेलाइट. या फिर एक दूसरा टाइप का सैटेलाइट होता है जिसको आप बोलते हो पोलार सैटेलाइट. पोलार सैटेलाइट गो फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ. दीज आर यूज फॉर सर्वेलेंस पर्पसेस. सर्वेलेंस, परमाणु मूवी देखा होगा तो उसमें आपको पता होगा कि वो कंटिन्यूअसली दे वेयर कीपिंग आई ऑन एक्टिविटी एट दैट प्लेस, जहां पे न्यूक्लियर ट्रायल लेने थे. तो सर्विलेंस सैटेलाइट, नेविगेशन सैटेलाइट, ये सारे सैटेलाइट, वेदर फोरकास्टिंग सैटेलाइट, दे आर पोलार, दे हैव पोलार ऑर्बिट्स. और जो कम्युनिकेशन पर्पस के लिए यूज करते हैं, दे हैव इक्वेटोरियल ऑर्बिट्स. एनीवेज, हाउ डू दे गेट पावर? तो दे गेट पावर फ्रॉम सोलार सेल्स. तो सोलार सेल्स आर यूज्ड एट रिमोट लोकेशन, जैसे कि फॉर सैटेलाइट, फॉर पावरिंग अप सैटेलाइट, फॉर पावरिंग अप इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, या फिर हमने एक रोवर भेज दिया, एक रोबोट भेज दिया मार्स पे. तो हाउ डज इट गेट पावर? इट गेट्स पावर फ्रॉम सोलार सेल्स. तो बेसिक इट इज नोन एज फोटोवोल्टाइक सेल. इट इज ऑल्सो नोन एज फोटोवोल्टाइक सेल. फोटोवोल्टाइक सेल ये क्या करता है? इट कन्वर्ट्स लाइट एनर्जी या फोटोन एनर्जी
इनटू वोल्टेज, या फिर आप बोल सकते हो इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, या फिर बोल सकते हो कन्वर्ट लाइट एनर्जी इनटू अ करंट। व्हाई करंट, ऐसा क्यों बोल रहा हूँ कि करंट इनटू अ करंट एंड वोल्टेज, इनटू अ करंट एंड वोल्टेज, एंड वोल्टेज। व्हाई आई एम राइटिंग इट लाइक दिस, यू नो व्हाट इज पावर, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ पावर, व्हाट इज फॉर्मूला ऑफ पावर, वर्क अपॉन टाइम। ठीक है, बट हियर वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट मैकेनिकल पावर, वी आर टॉकिंग अबाउट इलेक्ट्रिकल पावर। आई स्क्वायर आर, ओके आई स्क्वायर आर, और यू कैन से वी इक्वल टू आई आर, वी इक्वल टू आई आर, तो आर इक्वल टू वी बाई आई, तो आई स्क्वायर और ये वी बाई आई, तो यू हैव करंट इन टू वोल्टेज, दैट इज पावर। That is why मैंने यहाँ mention किया it converts light energy into current and voltage so as to give electric power, और we need electric power to run devices, ये पता होना चाहिए, this is something you need to know, okay? So basically ये एक transducer है, it is a transducer which converts light energy into electrical energy, so this is what you need to know, and then obviously isko use kahan karoge, remote locations pe, it is used to power instruments at remote locations like of course you know International Space Station, or as I just told you artificial satellites etc. baki ke uses hum baad mein dekhne wale hain, to filhal itna hi mention karna theek hai, and I really want you to remember this, it works under no bias, nahi to things will be pointless. हमको use कहाँ करना है, जहां पे हम electric power, electricity, electric current wires के through नहीं पहुंचा सकते. You cannot put a wire, वो satellite के wire से connected होता है. No, either is it like this, वो wire के साथ ऐसा घूम रहा है. No, because you cannot put wires to supply electricity. तो अगर इसको चलाने के लिए बैटरी की जरूरत पड़ गई तो दिस इज पॉइंटलेस देन, सो इट वर्क्स अंडर नो बायस, ये पता होना चाहिए, इट वर्क्स अंडर नो बायस, नो बायस मतलब नो एक्सटर्नल बैटरीज कनेक्टेड। देन जैसे हमने फोटोडायोड को सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट किया था, यू मस्ट बी रिमेम्बरिंग सर्किट सिंबल ऑफ फोटोडायोड, सेम है, एग्जैक्टली सेम है, क्योंकि फोटो डायोड भी वही काम करता है जो ये कर रहा है, उसने क्या किया, उसने भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को, सॉरी लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया, ये भी वही काम करता है, मतलब यहाँ पे भी फोटॉन्स का कन्वर्जन, सो फोटॉन्स विल बी इंसिडेंट, हियर ऑल्सो फोटॉन्स विल बी इंसिडेंट ऑन पीएन जंक्शन रीजन ऑल्सो, यहाँ पे भी पीएन जंक्शन रीजन पर ही इंसिडेंट होगा, एंड देन दिस लाइट विल बी कन्वर्टेड टू पावर। तो इसका सर्किट सिंबल और फोटोडायोड का सर्किट सिंबल एग्जैक्टली सेम है, देयर इज नो डिफरेंस एट ऑल सर्किट सिंबल में, गुड। तो एज यू रिमेंबर दैट आई टोल्ड यू कि वी विल कीप अ पर्टिकुलर पैटर्न, तो वंस यू आर डन विद इंट्रोडक्शन पार्ट, you are supposed to explain construction part. अब इसमें थोड़ा सा difference है, ये ज्यादा simple है construction wise, वहां पे क्या था, वहां पे base region था n type और उसका थोड़ा shape अलग था comparatively, right? यहां पे base region है p type, तो you have a thick base of p type on top of which You have a very thin, उसमें थिन था, यहाँ पे वेरी थिन है, वेरी थिन एन टाइप सबस्ट्रेट, गुड। अब हम करते क्या है, बेसिकली फर्स्ट ऑफ ऑल
ये जो बेस है पी टाइप और ये जो इमिटर है एन टाइप, मतलब जो उसके ऊपर आपने एक थिन लेयर दिया है एन टाइप का, इन दोनों को हम कोटिंग करते हैं. वी कोट इट विथ सम कंडक्टिंग मटेरियल. व्हाई? वो वर्किंग में समझेगा. तो ये पी टाइप बेस और एन टाइप इमिटर. इमिटर क्यों? बिकॉज एन टाइप नॉर्मली इज कॉल्ड एज इमिटर. ओके, या फिर मैं सिर्फ एन टाइप बोलूंगा इसको. तो जो बेस है पी टाइप और उसके ऊपर जो एन टाइप है, दे आर बोथ कोटेड विथ सेमी कोटेड विथ कंडक्टिंग मटेरियल. वो क्यों? वो बाद में देखेंगे. अब उसके ऊपर ये जो एन टाइप है, इसके ऊपर आपने और एक कोटिंग किया है, दैट इज कॉल्ड एज एंटी रिफ्लेक्शन कोटिंग. एंटी रिफ्लेक्शन कोटिंग, इसके दो रोल है. अब एंटी रिफ्लेक्शन, ऑब्वियसली व्हाट डज सोलर सेल डू? इट कन्वर्ट्स लाइट. मतलब वी नीड टू मेक श्योर मैक्सिमम अमाउंट ऑफ फोटॉन्स आर एब्जॉर्ब्ड. तो एंटी रिफ्लेक्शन मतलब वो रिफ्लेक्ट नहीं होने देगा. ओके, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ फोटॉन्स आर एब्जॉर्ब्ड, करेक्ट. और ये एंटी रिफ्लेक्शन कोटिंग दो काम और करता है. इन टोटल इट डज थ्री रोल्स. वन, इट एब्जॉर्ब्स लार्ज नंबर ऑफ विजिबल फोटॉन्स. विजिबल मतलब विजिबल लाइट जिस स्पेक्ट्रम होता है, दोस फोटॉन्स इट एब्जॉर्ब्स. एंड इट मेक्स श्योर कि IR इंफ्रारेड रेडिएशन रिफ्लेक्ट होना चाहिए. तो एब्जॉर्ब कौन होना चाहिए? विजिबल. और रिफ्लेक्ट कौन होना चाहिए? IR. क्यों? क्योंकि IR इंफ्रारेड जनरेट्स हीट. तो अगर IR भी एब्जॉर्ब हो गया तो इट विल हीट अप. तो ये हीटिंग नहीं होना चाहिए. टू प्रिवेंट दिस पीएन जंक्शन डायोड फ्रॉम हीटिंग, दिस एंटी रिफ्लेक्शन कोटिंग रिफ्लेक्ट्स IR बट एब्जॉर्ब्स विजिबल. एंड थर्ड रोल, तीसरा जॉब, व्हाट डज इट डू इज कि ये कंडक्टिंग मटेरियल होता है ये भी. दिस एंटी रिफ्लेक्शन कोटिंग इज ऑल्सो मेड अप ऑफ कंडक्टिंग मटेरियल. तो हमको पता है डायोड है, मतलब दो इलेक्ट्रिकल कनेक्शन निकालने हैं. तो यही मटेरियल कंडक्टिंग भी होता है. तो यहां से आप एक इलेक्ट्रिकल कनेक्शन निकाल सकते हो. उसको बोला है देखो एंटी रिफ्लेक्टिंग कॉन्टैक्ट. तो यू कैन टेक वन इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट फ्रॉम हियर, राइट. एंड बाय द वे, क्योंकि फोटॉन्स मतलब सनलाइट विल बी इंसिडेंट ऑन द अपर पार्ट ऑन एन टाइप, तो इसको बोलेंगे फ्रंट कॉन्टैक्ट. क्योंकि लाइट इज इंसिडेंट ऑन दिस फेस, फ्रंट फेस पे, तो इसको बोलेंगे फ्रंट कॉन्टैक्ट. दिस इज फ्रंट कॉन्टैक्ट. और एक कॉन्टैक्ट आप निकालोगे बेस के नीचे से, दैट इज कॉल्ड एज रियर कॉन्टैक्ट. गुड, यहां तक क्लियर? तो पहले इसका कंस्ट्रक्शन समझ लो, और कंस्ट्रक्शन समझेगा तो वर्किंग बहुत इजी है, एक्सट्रीमली सिंपल. तो व्हाट यू कैन से इज इन कंस्ट्रक्शन, हम पॉइंट बाय पॉइंट लिख भी लेंगे बट पहले समझ लो. तो व्हाट यू हैव इज यू हैव अ थिक पी टाइप बेस ऑन टॉप ऑफ विच यू हैव अ वेरी थिन लेयर ऑफ एन टाइप. Both this p-type and n-type are coated with conducting material. So let's put it point by point. It's really important for you to understand first. लिखना अपने आप हो जाता है. So what you have is it consists of a thick p-type base, thick p-type semiconductor base on top of which there is a very thin layer of n-type. Both P-type and N-type are coated with conducting material. और ये क्यों? ये वर्किंग में समझेगा. Why do you want to coat it with conducting material? उसके बाद क्या था? उसके बाद N-type का जो अपर पोर्शन है, इट इज coated with anti-reflection coating. N-type is
also quoted with anti-reflection coating. Anti-reflection coating. तो ये difference है between photodiode and solar cell. Photodiode में ऐसा नहीं था. Photodiode में एक glass plate था and you wanted only limited portion to be exposed to light. वो छोड़ के आपने बाकी सारा का सारा paint कर दिया और वो paint कैसा था? वो opaque था to radiation. मतलब जितना glass plate आपने paint नहीं किया उतने ही glass plate से light पास होगा और बाकी सारे के सारे पोर्शन से ब्लॉक हो जाएगा. यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे इट इज केप्ट ओपन. सिर्फ इतना है कि हमने एंटी रिफ्लेक्शन कोटिंग डाल दिया तो एंटी रिफ्लेक्शन कोटिंग विजिबल फोटॉन्स को एब्जॉर्ब करेगा और आईआर को रिफ्लेक्ट करेगा. दिस एंटी रिफ्लेक्शन कोटिंग, दिस एंटी रिफ्लेक्शन कोटिंग एब्जॉर्ब्स फोटॉन्स, absorbs photons but blocks matlab reflects IR radiation, thus protecting the cell, kyunki iska naam cell hai to cell, protecting the cell from getting heated. Then ये जो anti reflection coating है, it is also used for front contact. So this anti reflection coating is also used for front contact. Similarly, क्या था? Bottom of P-type base is used for back or rear contact. Is used for back contact या फिर rear contact, right? So this is what you need to know. So इतना आपको पता होना चाहिए. This is something which is very important. Okay. अब अगर आपको यहाँ तक समझा है, तो then you can talk about working. And by the way, before we talk about working, यहाँ पे हमने कहीं पे भी ना transformer दिखाया है, ना हमने रेक्टिफायर दिखाया है. Did we show anywhere? No. Because number one, we design it in such a way. हम इस PN junction diode को, मतलब solar cell को in this case, ऐसा design करते हैं कि हमें जितना voltage चाहिए उतना ही मिलेगा. For example, split lamps को आजकल solar panel लगाया होता है. तो वो सोलार पैनल का डिजाइन ऐसा होता है दैट यू विल गेट एग्जैक्टली, मतलब वेरी स्मॉल रेंज, एग्जैक्टली दैट वोल्टेज व्हिच इज रिक्वायर्ड टू रन दोस लैंप. उसमें जो आप बल्ब लगाओगे, दोस आर आल्सो सेमीकंडक्टर्स, वो आजकल एलईडी लगाते हैं, लाइट इमिटिंग डायोड्स. तो इसी एक डायोड फोटोन को कन्वर्ट कर रहा है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, दूसरा उल्टा काम कर रहा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को फोटोन में कन्वर्ट कर रहा है, राइट? तो डिजाइनिंग ऐसा होता है दैट वी गेट एग्जैक्टली वोल्टेज विच इज रिक्वायर्ड टू रन अ डिवाइस. और ये जो RL है, ये इंस्ट्रूमेंट का रेजिस्टेंस है, लोड का रेजिस्टेंस है. तो डायरेक्टली हमने सेल लगा दिया लोड पे, राइट? तो हमने कहीं पे भी रेक्टिफायर यूज नहीं किया, नंबर वन. ट्रांसफॉर्मर यूज नहीं किया, नंबर वन, क्योंकि ट्रांसफॉर्मर की जरूरत ही नहीं, स्टेप अप स्टेप डाउन करना ही नहीं है. जितना हमको चाहिए वैसा डिजाइन कर लेंगे. नंबर टू, रेक्टिफिकेशन की भी जरूरत नहीं है. क्यों? क्योंकि ये डायरेक्ट डीसी देता है आपको. सो इट गिव्स डीसी आउटपुट. सो इट टेक्स फोटॉन्स एज इनपुट एंड इट गिव्स डीसी वोल्टेज एज आउटपुट. तो ये भी इंपॉर्टेंट है. गुड. तो लेट अस नाउ अंडरस्टैंड वर्किंग ऑफ इट. बहुत इजी है. और वर्किंग समझने के लिए, ठीक है, यू मे नॉट नीड दिस डायग्राम, तो वी विल जस्ट टेक इट अवे फ्रॉम हियर. तो वर्किंग समझने के लिए, इसका जो वर्किंग है, ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर है, बहुत सिंपल है.
सिर्फ आपको समझना क्या है, आप बैंड डायग्राम इज आउट ऑफ स्कोप ऑफ योर सिलेबस, बट स्टिल आई वॉन्ट यू टू अंडरस्टैंड दिस फ्रॉम बैंड डायग्राम, क्योंकि समझना बहुत ईजी होता है बैंड डायग्राम के टर्म में. तो वॉट यू हैव इज फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्टिंग विथ, हमने जैसे ही एक पीएन जंक्शन डायोड बनाया तो यू हैव अ पीएन जंक्शन डायोड. उसमें से भी हमने यहाँ पे क्लियर कट बोला है कि जो बेस है वो थिक पी टाइप है और ऑन टॉप ऑफ इट वेरी थिन एन टाइप. तो ये आ गया आपका वेरी थिन एन टाइप. तो आई विल टेक अ वेरी थिन एन टाइप हियर, ये आ गया आपका एन टाइप, ये है पी टाइप. Extremely thin. और क्यों? Because photodiode याद है, photons were incident on depletion region. हमको यहाँ पे भी वही करना है. We want photons to enter into depletion region. और according to construction, light is falling on n-type. मतलब light कहाँ से आएगा? तो light यहाँ से आने वाला है. अब जब n-type material ये thin होगा तब जाके फोटॉन्स डिप्लीशन रीजन पे एंटर कर पाएंगे. तो दैट इज व्हाई वी कीप एन टाइप वेरी थिन. तो पहले ये याद होना चाहिए. देन यू शुड रिमेम्बर ये था आपका वैलेंस बैंड एंड देन यू हैव अ कंडक्शन बैंड. ये आ गया कंडक्शन बैंड, ये एन टाइप का और यहां पे ये पी टाइप का. गुड. देन आपको ये भी याद होना चाहिए कि एन टाइप में फर्मी लेवल वॉज जस्ट बिलो कंडक्शन बैंड, हियर इट वॉज जस्ट अबोव वैलेंस बैंड. ये है एन टाइप, ये है पी टाइप. एंड देन यू नो कि एट गिवन टेम्परेचर देर आर फ्यू होल्स हियर, देर आर मेजॉरिटी इलेक्ट्रॉन्स इन द कंडक्शन बैंड. ऑन द कॉन्ट्ररी पी टाइप में फ्यू इलेक्ट्रॉन्स एंड मेनी मेनी होल्स ओवर हियर, ऐसा सिचुएशन होता है. फिर क्या होता है? फिर होता है डिफ्यूजन स्टार्ट. मतलब ड्यू टू रिपल्शन यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स जो है ड्यू टू म्यूचुअल रिपल्शन दे क्रॉस द जंक्शन एंड दे एंटर. तो यहाँ पे बन जाता है आपका डिप्लीशन लेयर, डिप्लीशन रीजन नियर जंक्शन. क्योंकि यहां से इलेक्ट्रॉन कहाँ चले गए? पी टाइप में. पी टाइप में क्या था? होल्स थे. ओके. तो यहां पे आने के बाद इलेक्ट्रॉन्स डिफ्यूज होने के बाद यू गेट इन दिस केस यू गेट डिप्लीशन रीजन. तो ये याद होना चाहिए. और डिप्लीशन रीजन मतलब इट इज द रीजन नियर द जंक्शन विच इज डिप्लीटेड ऑफ मूविंग चार्जेस. यहाँ पे मूविंग चार्जेस की शॉर्टेज है. शॉर्टेज याद रखना, देयर इज शॉर्टेज ऑफ मूविंग चार्जेस. ऐसा है, मैं अभी डिप्लीशन रीजन को दिखा देता हूँ. तो लेट्स से कि यहां से यहां तक दिस इज डिप्लीशन रीजन, ये डिप्लीशन रीजन है. गुड. और मैंने कहीं पे भी यू सी डिड आई पुट एनीवेयर बैटरी? नो, बिकॉज इट ऑपरेट्स अंडर नो बायस. हाँ, लेकिन जिस डिवाइस को चलाना है वो तो लगाना ही पड़ेगा. तो उसका लोड रेजिस्टेंस होगा आरएल, वो तो लगाना पड़ेगा, राइट? तो देखो कहीं भी बैटरी नहीं है, डायरेक्टली रेजिस्टेंस है, लोड का रेजिस्टेंस है. तो टू अंडरस्टैंड वर्किंग यू नीड टू अंडरस्टैंड बेसिक थिंग्स. नंबर वन, फोटॉन्स ऑफ सुटेबल फ्रीक्वेंसी दे आर इंसिडेंट कहां पे? और वेल बाय द वे, ये जो डिफ्यूजन हो रहा था, ये डिफ्यूजन कब तक होगा? जब तक फर्मी लेवल्स का मैचिंग नहीं होता. मतलब बेसिकली ये पूरा बैंड स्ट्रक्चर ऊपर जाएगा और इसका पूरा बैंड स्ट्रक्चर नीचे आएगा और ऐसा सिचुएशन आ जाएगा दैट देन इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम कंडक्शन बैंड ऑफ एन टाइप दे आर नॉट एबल टू गो इनटू कंडक्शन बैंड ऑफ पी टाइप बिकॉज ऑफ बैरियर पोटेंशियल. बट देर आर माइनॉरिटी कैरियर्स. यहाँ पे माइनॉरिटी के इलेक्ट्रॉन्स है, यहाँ पे माइनॉरिटी के होल्स है. दिस इलेक्ट्रॉन्स कैन कम, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है. गुड. देन अब याद रखना फोटोडायोड में क्या था. फोटोडायोड में हमने रिवर्स बायसिंग किया था. तो रिवर्स बायसिंग करोगे तो ये और ऊपर शिफ्ट होने वाला है, लेकिन यहाँ पे नो बायस है,
तो ये फर्मी लेवल जितना जहां तक फर्मी लेवल मैच होगा वहीं पर रुक जाएगा, इज नो मोर शिफ्टिंग ऑफ द बैंड स्ट्रक्चर, क्योंकि रिवर्स बायस करना मतलब ये डिफरेंस को और बढ़ाना, मतलब पी टाइप के बैंड स्ट्रक्चर को और ऊपर लेके जाना और एन टाइप के बैंड स्ट्रक्चर को और नीचे लेके आना होता है, और फॉरवर्ड बायस में उल्टा होता है। फॉरवर्ड बायस में आप एन टाइप के बैंड स्ट्रक्चर को ऊपर ले जाते हो, पी टाइप को नीचे ले आते हो, और नो बायस में फर्मी लेवल मैच हो गए तो इट स्टॉप देयर, देयर इज नो फर्दर मूवमेंट ऑफ बैंड स्ट्रक्चर्स, इतना पता होना चाहिए। अब क्या होगा, अब ये होगा कि जो फोटॉन्स हैं, दिस फोटॉन्स विल एंटर थ्रू एन रीजन, ओके, they'll enter through n region, so they will enter through n region, wahan to n region se hai, they're entering here, okay, good, then as soon as they hit the depletion layer, they generate electron hole pairs, so photon ka energy will be used up, absorbed, to generate electron hole pair, kya hoga fir, electron aa gaye, kahan aa gaye, कंडक्शन बैंड में, कौन सा कंडक्शन बैंड, पी टाइप का, फिर वहां से कहां जाएंगे, एन टाइप, वेरी गुड। सो नंबर वन, व्हेन फोटॉन्स ऑफ सुटेबल फ्रीक्वेंसी आर इंसिडेंट कहां पे इंसिडेंट हुए, ये डिप्लीशन रीजन तो हुआ, लेकिन आर इंसिडेंट फ्रॉम द फ्रंट फेस, आर इंसिडेंट फ्रॉम द फ्रंट फेस मतलब एन टाइप, फ्रॉम द फ्रंट फेस एन टाइप पे, दे पेनिट्रेट कहां पेनिट्रेट कर गए, इनटू डिप्लीशन रीजन, क्योंकि एन टाइप क्या था, थिन था, दे पेनिट्रेट इनटू डिप्लीशन रीजन, okay, इसको मैं बाद में देख लूंगा लगा को। Then what happens next is energy of photons is absorbed and there is generation of electron hole pair. Energy of these photons is absorbed and there is generation production of electron hole pair. Now what happens is, ये जो p टाइप के कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन्स है, और मैंने आपको पहले भी बताया था, मैं आपको बार बार बता रहा हूं कि आपको ये चीजें याद रखनी पड़ेगी, यू आर सपोज टू रिमेंबर, इफ यू रिमेंबर, N टाइप में मेजोरिटी थे इलेक्ट्रॉन्स, कुछ इलेक्ट्रॉन्स डिफ्यूज हो गए तो यहां बन गए पॉजिटिव आयॉन्स और यहां बन गए नेगेटिव आयॉन्स, ये अदरवाइज P टाइप है, ये N टाइप है। अब होगा ये कि यहां पे जो इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट हुआ, मतलब यहां पे भी तो फोटॉन्स इंसिडेंट होंगे, यहां पे भी तो इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होगा, ये नहीं जा सकता, नॉट अलाउड, बिकॉज बैरियर पोटेंशियल नेगेटिव को नेगेटिव रोकने वाला है, राइट, बट वेट अ मिनट, बट फॉर दिस इलेक्ट्रॉन्स इन द कंडक्शन बैंड ऑफ पी टाइप, उसके लिए तो सामने पॉजिटिव पोटेंशियल है, तो इट विल बी इनफैक्ट अट्रैक्टेड, या आप बोल सकते हो उसके लिए तो डाउन द हिल है, राइट, तो नेक्स्ट स्टेप में व्हाट विल हैपन इज दिस, इन द नेक्स्ट स्टेप यू कैन से, इसको आप बोल सकते हो, इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम कंडक्शन बैंड ऑफ पी टाइप है ना, पी टाइप, क्योंकि पी टाइप में ही थे ये, पी टाइप, और पी टाइप कैन easily enter, okay, this is a good word to use, can easily enter without any trouble, can easily enter into conduction band of n type, good, ab
ये होने के बाद नाउ यू विल रियलाइज कि इसको कंडक्टिंग मटेरियल का कोटिंग क्यों किया था, नहीं करते तो क्या होता, नहीं करते तो यहाँ पे माइनॉरिटी इलेक्ट्रॉन है और आपको पता है होल है और आपको पता है माइनॉरिटी होल, होल इज लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब जैसे ही यहाँ से इलेक्ट्रॉन आया इट विल ट्राई टू टेक अप दिस इलेक्ट्रॉन, ये जो होल है ये कोशिश करेगा कि आई विल टेक दिस इलेक्ट्रॉन, क्योंकि वहां वैलेंसी बोलते ना वैलेंसी empty space, right? तो ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऐसा हुआ तो दो चीजें होगी, ये जो ट्रांजिशन है from valence conduction band to valence band, it always either है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन का एनर्जी कंडक्शन बैंड में जब वो नीचे जाएगा वैलेंस बैंड में तो एनर्जी इमिट करेगा, इट कैन इमिट एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट और फोटोन, दोनों में से एक होगा, तो ये नहीं होना चाहिए, we don't want this recombination to take place. तो हमें क्या करना है, we have to make sure कि ये जो इलेक्ट्रॉन आया यहां से वो सीधा यहां निकल गया, so it is directly going here, correct? So that is why you coat it with conducting material. So conducting material is helping this electron, उसको बचा रहा है वो इस होल से, go, right? So this is what is going to happen. So कंडक्टिंग मटेरियल का जो कोटिंग हुआ बेसिकली दिस इलेक्ट्रॉन्स आर कैरिड अवे टू सर्कुलेट करंट, कहां करंट सर्कुलेट करना है आपको, लोड रेजिस्टेंस में, ये लोड में, टू सर्कुलेट करंट इन लोड, राइट? तो वो कंडक्टिंग मटेरियल का कोटिंग है वो काम करेगा, वी डोंट हैव टू टॉक इन डिटेल्स, क्योंकि हो तो वही रहा अल्टीमेटली, इलेक्ट्रॉन आया, ये इलेक्ट्रॉन आगे कौन लेके गया, वो कोटिंग, कंडक्टिंग मटेरियल का कोटिंग, इट हेल्प्स द इलेक्ट्रॉन टू मूव, राइट? लेकिन फिर वहां से कहां जाएगा, लोड में जाएगा, तो करंट तो जाना चाहिए ना लोड में, नहीं तो वोल्टेज कैसे मिलेगा, यू शुड गेट आई इंटू आर एल विल बी वोल्टेज, आउटपुट वोल्टेज, गुड, तो दिस इज हाउ इट वर्क्स, ओके? सो दिस इलेक्ट्रॉन्स आर कैरिड अवे टू सर्कुलेट करंट इन द लोड एंड हेंस यू गेट पावर एट द आउटपुट, सो ऑन सो फोर्थ. तो यहां तक क्लियर, इट शुड बी क्लियर अप टू दिस पॉइंट, क्लियर है? तो दिस इज हाउ इट वर्क्स. अब वर्किंग में हम एक और चीज डिस्कस करने वाले हैं विच इज IV कैरेक्टरिस्टिक्स. तो वी आर गोइंग टू डिस्कस करंट वोल्टेज करंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोलार सेल. सो IV characteristics. So first of all, यहां पे एक छोटे से confusion, छोटा सा confusion का high possibility है. हमेशा याद रखना electrons कहां से कहां जा रहे हैं, P से N. तो current कहां से होगा, N से P, right? ये रिवर्स करंट है, क्योंकि फॉरवर्ड वायस में उल्टा होता है, एन से जाता है इलेक्ट्रॉन पी टाइप में, तो करंट होता है पी टू एन, राइट? यहाँ पे उल्टा है, इलेक्ट्रॉन जा रहा है पी से एन, तो करंट है एन टू पी, दिस इज अ टाइप ऑफ रिवर्स करंट. और हमने कल ही देखा हमने कि रिवर्स करंट कभी भी नेगेटिव होता है. डू यू रिमेम्बर दिस, वो कहाँ गया, ये यहाँ गया. डू यू सी, रिवर्स करंट कैन नेवर बी इन क्वाड्रेंट नंबर 1 और क्वाड्रेंट नंबर 2, इट विल बी इन क्वाड्रेंट नंबर 3 और 4. 3 कब, 3 तब जब आपने रिवर्स बायस किया है, तब. हमने किया था कि नहीं रिवर्स बायस, कल जो आपने यहाँ पे फोटोडायोड सीखा, डू यू रिमेम्बर दैट वी अप्लाई अ रिवर्स वोल्टेज? यस, बट इन केस ऑफ, देखो यहाँ बताया भी है, बट इन केस ऑफ सोलार सेल Are we applying any reverse voltage? No. इसका मतलब, इसका जो IV characteristics है, it will not be in third quadrant, क्योंकि यहाँ पे biasing, reverse bias नहीं है. reverse bias होता तो negative voltage लगाते ना, तो नहीं है, तो यहाँ पे भी ये third quadrant में तो नहीं जाएगा, ये first में भी नहीं आ सकता, क्योंकि current direction अपोजिट है, तो ये कहां होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में.
तो इन रियलिटी ये जो आपके पास ग्राफ है वो ग्राफ ड्रॉ कर देते हैं और बाद में वहां पे मेंशन किया होता है बुक में कि ये जो करंट है ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है, तो करंट इज एक्चुअली इन द फोर्थ क्वाड्रेंट। सिर्फ दिखाने के लिए वो कहां दिखा रहे हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट, मतलब वो बेसिकली दे आर कंसिडरिंग मैग्नीट्यूड ऑफ द करंट, और हम नहीं करेंगे, हम जैसा है हम वैसा रखेंगे। गुड, सो इफ आई एम नॉट रॉन्ग मोस्ट ऑफ यू फ्रॉम हियर विल बी डूइंग इंजीनियरिंग इन द नेक्स्ट ईयर, पहले साल में एक्सपेरिमेंटेशन ला सकता, फर्स्ट ईयर यू हैव टू डू दिस, ओके। देन यू नीड टू नो कि ये जो करंट है ये रिवर्स करंट जैसा है, मतलब ये नेगेटिव करंट आएगा, डायरेक्शन उल्टा है इसका, इलेक्ट्रॉन्स आर गोइंग फ्रॉम पी टू एन, करंट इज फ्रॉम एन टू पी, फॉरवर्ड करंट का डायरेक्शन उल्टा होता है, तो ये करंट थर्ड या फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा। और थर्ड में क्यों नहीं आएगा, क्योंकि वो थर्ड क्वाड्रेंट होता है रिवर्स बायस कैरेक्टरिस्टिक्स। हमने कहा वोल्टेज अप्लाई किया, हमने रिवर्स लगाया क्या, नहीं लगाया, तो वी विल नॉट शो। गुड, अब ऐसा है, अब थोड़ा मैथमेटिक्स का बेसिक्स पता होना चाहिए। एनी पॉइंट ऑन वाई एक्सिस मीन्स एक्स इक्वल टू जीरो, वेरी गुड, वेरी गुड। तो इफ यू चेक, इफ यू कंपेयर विद द ग्राफ दैट इज गिवन टू यू इन योर टेक्स्ट बुक्स, तो कंपेयर कर लेते हैं। एनी पॉइंट ऑन वाई एक्सिस, यहां पे वाई एक्सिस क्या है, करंट, और क्या लिखा है, पीवी करंट, फोटोवोल्टाइक करंट, ओके, फोटोवोल्टाइक करंट। गुड, आपको दिख रहा है यहां पे कि एक पॉइंट है ओवर हियर, राइट, दिस पॉइंट इज अ पॉइंट ऑन करंट एक्सिस, मतलब वाई एक्सिस, तो उसकी एक्स वैल्यू क्या होगी, जीरो, ऑब्वियसली जीरो, राइट। गुड, तो अब यहां ऊपर लिखा है शॉर्ट सर्किट करंट, व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय शॉर्ट सर्किट, नहीं नहीं ब्रेक डाउन का तो क्वेश्चन ही नहीं है, वो रिवर्स बायस में ब्रेक डाउन होता है, मोर देन व्हेन टू वायर्स जॉइन डायरेक्टली टुगेदर, मतलब क्या होगा, मतलब ऐसा है, ये डायग्राम को रेफर करो, मतलब अगर मैं यहां से लोड हटा के इन दोनों वायर को डायरेक्ट टच कर देता हूं, मतलब डिवाइस तो हटा दिया हमने, डिवाइस निकाल दिया और दोनों वायर को ज्वाइन कर दिया, राइट, तो लोड हटा दो और दो वायर्स को डायरेक्टली ज्वाइन कर दो, तो दैट इज कॉल्ड अ शॉर्ट सर्किट कनेक्टिंग टू वायर डायरेक्टली टुगेदर, तो इन दैट केस रेजिस्टेंस इज मिनिमम, रेजिस्टेंस मिनिमम होगा ना, दो वायर को डायरेक्टली ज्वाइन कर दिया, लोड मतलब बल्ब यूज करना चाहते हो, बल्ब हटा दिया आपने, तो लोड का रेजिस्टेंस हटा दिया, फिर आपने क्या किया, दोनों वायर को शॉर्ट कर दिया, तो रेजिस्टेंस मिनिमम होगा कि नहीं, हाँ तो मिनिमम होगा। तो आपको ओम्स लॉ याद है क्या, ओम्स लॉ क्या बताता है आपको, V इक्वल टू आई आर, V इक्वल टू आई आर, तो आई क्या होगा, V बाय आर, अगर रेजिस्टेंस मिनिमम है तो करंट क्या होगा, तो इसलिए तो फिर ये मैक्सिमम करंट है, तो अंडर शॉर्ट सर्किट यू आर रिमूविंग लोड एंड यू आर डायरेक्टली शॉर्टिंग टू वायर्स टूगेदर, मतलब रेजिस्टेंस इज मिनिमम, रेजिस्टेंस मिनिमम मतलब करंट मैक्सिमम, तो ये शॉर्ट सर्किट करंट है, राइट, क्लियर। तो यहां पे इन रियलिटी वो आता है इधर, इन्होंने सिर्फ डायग्राम को उल्टा करके दिखाया, उल्टा मतलब दे हैव जस्ट स्विच्ड करंट एक्सिस, वोल्टेज एक्सिस को कुछ नहीं किया, करंट एक्सिस को उल्टा कर दिया, राइट। और अब ये आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑब्टेन करने के लिए क्या किया जाता है, यू शुड नो कि क्या होगा, एंड यू लुक हियर, ये जो लोड है, दिस लोड रेजिस्टेंस, हम इस लोड रेजिस्टेंस को चेंज करते हैं एक्सपेरिमेंटल, ये जो ग्राफ है ना, ये एक्सपेरिमेंटल ग्राफ, तो व्हाट यू डू इज यू चेंज दिस लोड, आपके पास एक रेजिस्टेंस बॉक्स होता है, उसमें आप एक की निकाल के रखते हो, फिर दूसरा प्लग करते हो, तो रेजिस्टेंस बॉक्स मतलब यू कैन चेंज रेजिस्टेंस, क्लियर, इफ यू कैन चेंज रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस चेंज होगा और करंट भी चेंज होगा, तो रेजिस्टेंस इनटू करंट क्या देगा, वोल्टेज, तो दिस इज हाउ यू बेसिकली एडजस्ट द वैल्यू ऑफ वोल्टेज, राइट, तो पहले ये समझ लो,
क्यों? क्योंकि आप बोलोगे अरे लेकिन अभी तो मैंने बोला कि ये सोलार सेल तो फिक्स्ड अमाउंट ऑफ वोल्टेज देता है, मैंने बताया ना अभी, इट विल गिव यू फिक्स्ड अमाउंट, दैट इज ट्रू। मान लो कि ये 10 वोल्ट का है, इमेजिन, फिर ये मेरे ऊपर है, मैं यहाँ पे लोड चेंज कर दूंगा, ये तो 10 दे रहा है लेकिन लेने वाला तो 10 लेना चाहिए, हाँ ठीक है गुड। हाँ तो फिर वो हम यहाँ पे रेजिस्टेंस चेंज करके वोल्टेज एडजस्ट कर सकते हैं। अब पहले हमने क्या किया, शॉर्ट कर दिया, शॉर्ट करना मतलब दो वायर को डायरेक्ट कनेक्ट। अब मैं ऐसा कर रहा हूं, अब मैं यहां से वायर्स को शॉर्ट भी नहीं कर रहा हूं, मैं ऐसा करूंगा, मैं सर्किट को ही ओपन कर दूंगा। तो व्हाट आई विल डू इज आई विल ओपन दिस सर्किट, एंड यू शुड नो व्हाट डज ओपनिंग अ सर्किट मींस। हाँ, ओपन करना मतलब ओपन करना मतलब कुछ भी कनेक्ट नहीं करना होता है, यू हैव नॉट कनेक्टेड एनीथिंग, तो रेजिस्टेंस इज इंफिनिटी। दो वायर को शॉर्ट करना मतलब रेजिस्टेंस इज प्रैक्टिकली जीरो, और कुछ भी कनेक्ट नहीं किया, अभी कुछ भी कनेक्ट नहीं किया तो करंट जाएगा क्या? करंट कब नहीं जाता है, जब रेजिस्टेंस वेरी हाई हो, इंफिनिटी हो। तो नॉट कनेक्टिंग एनीथिंग मीन्स ओपन सर्किट, अल्टीमेटली ओपन सर्किट मतलब इनफिनाइट रेजिस्टेंस, इनफिनाइट रेजिस्टेंस मतलब नो करंट फ्लोस। तो मैंने क्या किया, मुझे करंट नहीं फ्लो करना है, मैंने हटा दिया डिवाइस, ना ही दो वायर को शॉर्ट किया है ना ही डिवाइस लगाया है, तो करंट जा ही नहीं पाएगा ना। यू कीप ऑन हिटिंग एज मेनी फोटॉन्स एज यू वांट, देयर इज नो करंट, देयर इज नथिंग टू यूज करंट इटसेल्फ, इसको बोलते हैं ओपन सर्किट, करेक्ट। ओपन सर्किट में करंट आएगा क्या? नहीं, लेकिन वोल्टेज तो जनरेट हो रहा है। तो अगर मैं वोल्ट मीटर लगाता हूं तो मुझे क्या मिलेगा? मैक्सिमम वोल्टेज, मैक्सिमम वोल्टेज, तो आई विल गेट मैक्सिमम वोल्टेज एंड आई विल कॉल दिस पॉइंट एज ओपन सर्किट वोल्टेज। तो ये जो पॉइंट है यहाँ पे, इसको हम बोलेंगे VOC, ओपन सर्किट वोल्टेज। ये जो पॉइंट है इसको बोलेंगे ISC, शॉर्ट सर्किट करंट, क्योंकि शॉर्ट सर्किट में करंट इज मैक्सिमम, वोल्टेज इज जीरो, ओपन सर्किट में वोल्टेज इज मैक्सिमम, करंट इज जीरो, है क्या? यहाँ पे देखो कहीं दिया होगा ओपन सर्किट वोल्टेज VOC। तो हियर यू हैड ISC, शॉर्ट सर्किट करंट, हियर यू हैव VOC, ओपन सर्किट वोल्टेज, क्लियर? तो दो पॉइंट मिल गए, एक करंट एक्सिस पे मिल गया और एक वोल्टेज एक्सिस पे मिल गया। तो ये दो पॉइंट कहां से आए? शॉर्ट सर्किट करने से और ओपन सर्किट करने से। शॉर्ट सर्किट रेजिस्टेंस मिनिमम, करंट मैक्सिमम, ओपन सर्किट रेजिस्टेंस मैक्सिमम, करंट जीरो, मतलब ऑल यू हैव इज ओनली वोल्टेज, करेक्ट। अब क्या करोगे? अब ये इसको वापस से लाते हैं। अब रेजिस्टेंस हम धीरे धीरे चेंज करेंगे, रेजिस्टेंस चेंज करेंगे तो क्या होगा? वोल्टेज चेंज होगा, क्योंकि V इक्वल टू IR। हाँ, तो फिर हम अलग 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 वोल्टेज पे करंट मेजर करते जाएंगे और हमको मिलने वाला है एक ग्राफ विच इज सम, मतलब पॉइंट्स मिलेंगे बेसिकली। तो यू विल गेट सम पॉइंट्स एंड देन यू कनेक्ट दिस पॉइंट एंड यू गेट अ कर्व, तो यू विल गेट सच अ कर्व। इसको बोलते हैं IV characteristics of a solar cell, है क्या? यहाँ पे भी येलो कलर लाइन, करेक्ट। तो दिस इज वॉट यू गेट। तो आप वोल्टेज चेंज कर रहे हो, वोल्टेज कैसे चेंज कर रहे हो? लोड का रेजिस्टेंस चेंज करके, और उस अलग अलग वोल्टेज पे आप करंट मेजर कर रहे हो और आप एक ग्राफ प्लॉट कर रहे हो, और ये जो ग्राफ आपको मिलेगा दिस इज कॉल्ड एज IV characteristics of a solar cell और photovoltaic cell, गुड। अब हमको फाइंड करना है मैक्सिमम पावर पॉइंट। व्हाट डू यू मीन बाय मैक्सिमम पावर? मतलब मुझे किस पॉइंट पे मैक्सिमम पावर मिलेगा? तो यू नो वी आई, हाँ, तो फिर अभी सम टाइम स्टूडेंट से हो, पी इज प्रोपोर्शनल टू आई, तो मैक्सिमम करंट मतलब मैक्सिमम पावर। बट वेट अ मिनट, शॉर्ट सर्किट पे वी जीरो है, तो ये जो शॉर्ट सर्किट पॉइंट है वहां पे पावर जीरो है, क्योंकि करंट तो मैक्सिमम है लेकिन पावर जीरो। VOC पे वोल्टेज मैक्सिमम है, करंट जीरो है, फिर वापस से पावर जीरो है, तो ये दोनों ही पॉइंट्स पे मैक्सिमम पावर नहीं है। देन व्हाट यू डू इज यू हैव डेटा। मैंने पहले ही बता दिया कि ये एक्सपेरिमेंटल ग्राफ है, इंपेरिकल, ये एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट्स है, तो आपको पता है कि V कितना, आपने तो सेट किया,
फिर आपने करंट मेजर किया था क्या? यस. तो कैन यू टेक प्रोडक्ट ऑफ वी इनटू आई? यस. व्हाट इज वी इनटू आई? पावर. एग्जैक्टली पावर. तो आप क्या करोगे, आप देखोगे ओ एक मेरे पास वोल्टेज वन था, मेरे पास करंट की वैल्यू कुछ तो थी, आई डोंट केयर, एंड आई गेट पावर एज लेट अस से टू. फिर मुझे मिला पावर फोर, फिर मुझे मिला पावर सिक्स, फिर मुझे मिला पावर वापस से फोर, फिर वापस मिला टू. तो ये जो पॉइंट है जहां पे पावर मैक्सिमम है, मतलब वी और आई का प्रोडक्ट मैक्सिमम है, तो दैट विल बी मैक्सिमम पावर पॉइंट. तो वो मैक्सिमम पावर पॉइंट यू गेट इट समवेयर ओवर हियर. आपको एक मैक्सिमम पावर पॉइंट मिलेगा. सो यू हैव दिस पॉइंट विच करस्पॉन्ड्स टू मैक्सिमम पावर. इसको बोलते हैं मैक्सिमम पावर पॉइंट. ये पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन नहीं है, मैक्सिमम पावर पॉइंट. मैक्सिमम पावर पॉइंट. सो यू गेट अ मैक्सिमम पावर पॉइंट. सो दिस इज हाउ यू गेट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोलार सेल, राइट? तो अब इंट्रोडक्शन हो गया, कंस्ट्रक्शन हो गया, वर्किंग भी हो गया, वर्किंग के साथ साथ आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स भी हो गया. अब इसके बाद है इट इज टाइम फॉर एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस. और सोलार सेल के मैंने पहले ही बताया है, जहां जहां पे सेमीकंडक्टर हो वहां वहां पे बाय डिफॉल्ट कुछ एडवांटेजेस होते हैं, जैसे कि लाइट वेट, चीप. यहां पे नहीं बोल सकते. क्यों नहीं बोल सकते? ठीक है, वेट अ मिनट, जस्ट अ मिनट. बिफोर वी गो टू एडवांटेजेस देयर आर सर्टन क्राइटेरिया फॉर सिलेक्शन ऑफ मटेरियल टू बी यूज्ड फॉर सोलार सेल. तो देयर आर सर्टन क्राइटेरिया, जैसे कि एक क्राइटेरिया, तो सबसे पहला क्राइटेरिया ये है, यू लुक हियर, यहाँ पे जो फोटॉन्स इंसिडेंट हो रहे हैं ये इलेक्ट्रॉन होल पेयर तब जनरेट कर पाएंगे. कब जनरेट कर पाएंगे? जब फोटोन का एनर्जी शुड बी ग्रेटर देन बैंड गैप. तो यहाँ पे पहला क्राइटेरिया ये है कि द बैंड गैप ऑफ द मटेरियल टू बी यूज फॉर सोलार सेल शुड बी बिटवीन 1 EV to 1.8 EV. तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से लेके 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक का बैंड गैप चाहिए. ऐसे जो मटेरियल होंगे वही आप यूज कर सकते हो फॉर फैब्रिकेशन, मतलब सोलार सेल को बनाने के लिए, फॉर फैब्रिकेशन ऑफ सोलार सेल. और ये मटेरियल होते हैं एक्सपेंसिव, इसलिए आज सोलार सेल एक्सपेंसिव. नाउ स्लोली विथ मोर एंड मोर रिसर्च ऑफकोर्स थिंग्स आर गेटिंग चीपर, राइट? हर एक सेमीकंडक्टर, हर एक पीएन जंक्शन डायोड चीप नहीं होगा, वो डिपेंड करता है बैंड गैप. तो ये बैंड गैप कैन ऑल्सो डिसाइड कॉस्टिंग, क्योंकि यहाँ पे 1 EV से 1.8 EV का बैंड गैप चाहिए, क्योंकि फोटॉन्स का तो आप एनर्जी चेंज नहीं कर सकते. कैन यू चेंज? नो यू कैनॉट. तो यू हैव टू मेक चेंजेस इन द बैंड गैप. तो ये दिस एट दिस स्टेज सोलार सेल्स आर एक्सपेंसिव. दूसरा भी क्राइटेरिया है, दूसरा क्राइटेरिया तो मैंने अभी बताया, ये क्या करना चाहिए, किसको रिफ्लेक्ट करना चाहिए IR, किसको एब्जॉर्ब करना चाहिए विजिबल, मतलब उसको बोलते हैं ऑप्टिकल. विजिबल का नाम है ऑप्टिकल, है ना? ऑप्टिशियन के पास जाते हो ना, वहीं से आता है ये वर्ड ऑप्टिशियन. ऑप्टिशियन मतलब आप विजिबल लाइट देखने में प्रॉब्लम हो रहा है आपको, वो आपको चश्मा बना के देगा. ऑप्टिशियन, ऑप्टिकल. ऑप्टिकल मतलब विजिबल. ओके, तो ये जो भी मटेरियल है, जो भी डिवाइस है, इट शुड हैव हाई ऑप्टिकल एब्जॉर्प्शन एंड हाई IR रिफ्लेक्शन. तो देर आर सर्टन क्राइटेरिया फॉर सिलेक्टिंग मटेरियल. पहला हो गया बैंड गैप, दूसरा हो गया हाई ऑप्टिकल एब्जॉर्प्शन एंड हाई IR रिफ्लेक्शन. एंड देन यू हैव अनदर ऑल्सो, देर आर मेनी अदर थिंग्स, तो वो मैं नहीं डिस्कस करूंगा. आई पुट इट इन टू नोट्स. तो यू शुड नो 3 to 4 क्राइटेरिया आते हैं. दो तो डिस्कस हो गए हमारे, बाकी दो आप देख लेना, कोई इश्यू नहीं है. नाउ लेट्स टॉक अबाउट एडवांटेजेस. सबसे बड़ा एडवांटेज, इट इज फ्री ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ पोल्यूशन, है ना? पोल्यूशन फ्री सोर्स ऑफ एनर्जी. सो इट इज अ पोल्यूशन फ्री सोर्स ऑफ एनर्जी. फ्री सोर्स ऑफ एनर्जी. दुनिया भर के सारे झगड़े खत्म हो सकते हैं,
और वही हो रहा है. यू सी इंडिया विल लीड फ्रॉम द फ्रंट टू सेटल डाउन ऑल द फाइट्स. वो चल ही रहा है. यू सी धीरे धीरे हमारा पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पर डिपेंडेंसी कम हो रहा है. एंड आई कैन गारंटी यू बाय 2013 यू विल नॉट सी 80% ऑफ द व्हीकल्स दैट विल बी रनिंग ऑन स्ट्रीट्स हियर विल बी बेसिकली ईदर ईवी और बायोफ्यूल और फ्यूल सेल हाइड्रोजन. ओके देन लेस पोल्यूशन. और यहाँ पे हम आजकल अभी हम तो कम लेकिन बाकी कंट्रीज आज भी कोल के ऊपर डिपेंडेंट है. दे आर कोल डिपेंडेंट फॉर फॉर एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी राइट. दे जनरेट इलेक्ट्रिसिटी स्टिल फ्रॉम कोल एंड दैट जनरेट्स अ लॉट ऑफ पोल्यूशन. तो इट इज क्लीनेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी. देन नेक्स्ट एडवांटेज क्या 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 आपको पता है. इफ यू सी द टाइमलाइन पहले हम यूज करते थे गैस के ट्यूबलाइट्स मतलब उसमें इनर्ट गैस होता था. उसको रिप्लेस किया हेलोजन ने. उसको रिप्लेस किया एलईडीज ने. एलईडीज मतलब डायोड मतलब ये यही टाइप का मटेरियल है. अब तीनों में से अगर तीनों के तीनों गिर गए तो डायोड को कुछ नहीं होता. कुछ नहीं होता मतलब ड्यूरेबल है. देयर स्ट्रेंथ इज हाई ड्यूरेबिलिटी इज हाई. गिर भी गए तो कुछ नहीं होता तो दे डोंट ब्रेक. तो दे हैव हाई स्ट्रेंथ दे हैव हाई ड्यूरेबिलिटी. हाई ड्यूरेबिलिटी वो हेलोजन या फिर वो गैस डिस्चार्ज ट्यूब में छोटा सा क्रैक भी आ गया गैस विल गो आउट. गए नहीं चलने वाला अब राइट. नंबर थ्री लो मेंटेनेंस. इट डज नॉट रिक्वायर एनी सिग्निफिकेंट मेंटेनेंस. कहाँ लगता है मेंटेनेंस लगता है क्या. ये जो ट्रैफिक लाइट्स होते हैं सालों साल तक उसको मेंटेन नहीं करना पड़ता राइट. क्योंकि वो सेमीकंडक्टर है. सेमीकंडक्टर्स बेसिकली हैव वेरी लो मेंटेनेंस. एंड देन एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस आर लिमिटेड एट दिस पॉइंट. डिसएडवांटेजेस सोलर सेल्स सोलर पैनल्स एज यू से आर लिटिल एक्सपेंसिव. तो वो मैं लिखूंगा नहीं क्योंकि दैट इज अ टेंपरेरी थिंग. मे बी इन फ्यूचर इट विल नॉट बी. लेट अस टॉक अबाउट एप्लीकेशंस. मैंने पहले ही बता दिया. सबसे पहले तो यहाँ लिख ही दिया था हमने. कहाँ लिखा था ये. इट इज यूज टू पावर इंस्ट्रूमेंट्स एट रिमोट लोकेशंस. सो यूज्ड टू पावर इंस्ट्रूमेंट्स. सिर्फ इंस्ट्रूमेंट नहीं यूज टू सप्लाई इलेक्ट्रिसिटी एट रिमोट लोकेशंस. यूज टू पावर इंस्ट्रूमेंट एट रिमोट लोकेशंस. देन नेक्स्ट आई हैव सीन रिस्ट वॉचेस. एंड आपको बताओ रिस्ट वॉचेस कैलकुलेटर्स दे वर्क ऑन सोलर सेल्स. सो बेसिकली they are used in handheld calculators wristwatches so on and so forth. They are used in handheld because they consume less power. Chote hote hain handheld calculators and what you can say is wristwatches etc. then नेक्स्ट एप्लीकेशन अभी बताया तो था. वो कहाँ गया. कहाँ यूज होता है. आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स. दे आर यूज्ड टू पावर सैटेलाइट्स. दे आर यूज्ड टू पावर सर्वेलियंस सिस्टम्स आल्सो. दे आर यूज्ड टू पावर सैटेलाइट्स आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स ऑफ कोर्स. Well, we did actually two pilot projects. Ek to mere, not me, but one of my friend did it. Where I did my master's MSc jahan se kiya maine, wahan pe ek department hi tha alag se, called as Department of Energy Studies. Department of Energy Studies. Unka pura focus tha solars pe. What they did, wo saadha sa ek Atlas ka cycle laye. Cycle ke upar, usko roof banaya, uske upar solar panel lagaya. And then they put a motor to this cycle and then
वो जो सोलार पैनल का वो जो पावर जनरेट करेगा उसको स्टोर करने के लिए बैटरी लगाई, देन यू कैन यूज इट लाइक अ व्हीकल। दिन में चलाओ और रात में चलाओ, क्योंकि दिन में तो वो चार्जिंग भी करेगा, राइट। एंड वन ऑफ द प्रोजेक्ट्स दैट वन फ्यू ऑफ माय स्टूडेंट डिड, व्हाट वी थॉट ऑफ बैक देन 2013-14 की बात होगी, तब तो इंडिया इलेक्ट्रिफाइड नहीं था, बट यू मस्ट बी नोइंग कि नाउ एवरी विलेज हैज इलेक्ट्रिसिटी, राइट। तो वी थॉट कि जो रिमोट एरियाज से जो स्टूडेंट्स हैं जिनके पास इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, उनको पढ़ने के लिए रात में वी मेड स्मॉल स्मॉल पैनल्स, एंड देन दोज पैनल्स विल बी एबल टू, आई मीन क्या बोलते हैं उसको, टू पावर स्मॉल एलईडी बल्ब्स। तो सिर्फ खिड़की के बाहर पैनल लगा दो, एंड देन टेक अ वायर एंड स्मॉल यूनिट ऑफ बैटरी टू स्टोर, एंड वहां से दे कैन हैव सम स्मॉल एलईडी लैंप्स। तो वन ऑफ माई स्टूडेंट, वो तो वो गार्बेज में से पैनल निकाल के लगा, यू सी जो कैलकुलेटर हम यूज करके फेंक देते हैं, एंड दे एक्चुअली टुक आउट दोज थिंग्स एंड दे मॉडिफाइड इट। वो जो पैनल्स आते हैं ना कैलकुलेटर के अंदर छोटे छोटे, वो सब कलेक्ट करके लाए और उसको उन्होंने क्या चेंज किया, बिकॉज दे वर ऑल्सो गाइडेड बाय सम अदर टीचर फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट, एंड दे यूज दैट गार्बेज मटेरियल एंड दे मेड सम स्मॉल पैनल्स एंड विच वेर एबल टू, आई मीन छोटे छोटे एलईडी बल्ब चल जाते हैं उससे, तो सफिशियंट अमाउंट ऑफ लाइट यू कैन गेट। सो दिस काइंड ऑफ एप्लीकेशन ऑल्सो यू कैन यूज, यू कैन पावर स्मॉल एलईडी बल्ब यूजिंग दिस सोलार पैनल्स। बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं, एंड देन विल नॉट डिस्कस अदर एप्लीकेशंस इन डिटेल, सो दैट्स इट फॉर टुडे, विल स्टॉप एट दिस टॉपिक।